सोचिए, अगर आपने लाइफ में कभी भी सिगरेट को टच भी ना किया हो और आपको लंग कैंसर हो जाए तो इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन सच। भारत में 50% यानी आधे लंग कैंसर के केसेस नॉन स्मोकर्स में पाए जा रहे हैं। रीजन, एयर पोल्यूशन। हर साल अक्टूबर नवंबर के समय नॉर्थ इंडिया एक गैस चेंबर बन जाता है स्टबल बर्निंग की वजह से। ड्यूरिंग दिस स्टबल बर्निंग मंथ एन एरिया ऑफ 17,900 स्क्वायर किलोमीटर्स और 12 टाइम्स द साइज ऑफ दिल्ली 35 मिलियन टन्स ऑफ स्टबल विल बी बर्न्ड 98 मिलियन टन्स ऑफ स्टबल इज बर्न्ड एवरी ईयर ऑल ओवर इंडिया ऑल ईयर राउंड। बर्निंग 98 मिलियन टन्स ऑफ स्टबल releases 149 million tons of carbon dioxide. Carbon dioxide emission from all Indian transport is 270 million tons. Carbon dioxide emission from all Indian stubble burning is as high as 150 million tons. The latter is totally avoidable. But vote bank is more precious than your life. कुछ दिनों के लिए न्यूज में हेडलाइंस बनती है, लेकिन सॉल्यूशंस पर बातें नहीं होती और अगले साल फिर से यही साइकिल रिपीट होती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ऐसे स्टेट्स में स्टबल बर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन, इस कहानी का विलेन कौन और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, चलिए आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं। आप सोचेंगे कि ये वीडियो अब रेलेवेंट नहीं है, लेट हो गया, लेकिन मेरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये वीडियो एक साल अर्ली, क्योंकि अगर एक्शन नहीं लिया गया तो यही सेम प्रॉब्लम अगले साल भी रिपीट होने वाला है। आपका टाइम वैल्यूएबल है, इसलिए ये है सारे चैप्टर्स। लेकिन पूरी कहानी समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आपको इस वीडियो का पॉइंट समझा तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैप्टर 1, स्टबल बर्निंग होती ही क्यों, क्या हमारे किसान इस कहानी के विलन्स हैं? The answer is complicated. बात है 1960s की, जब भारत में बैक टू बैक अकाल पड़ा, लोगों को दो वक्त की रोटी दे पाए इतना भी अनाज हम नहीं उगाते थे। फिर लाल बहादुर शास्त्री जी ने हमें जय जवान जय किसान का नारा दिया और भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन लाया। भारत खाने में आत्मनिर्भर बना जरूर, लेकिन उसकी एक कीमत हमें चुकानी पड़ी। फूड प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जरूरत थी केमिकल फर्टिलाइजर्स की, पेस्टिसाइड्स की, हाइब्रिड वैरायटीज की, और लोकल किसान शिफ्ट होने के लिए रेडी नहीं थे तो उन्हें इंसेंटिव देने के लिए MSP की शुरुआत हुई। मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों के लिए कुछ सिलेक्टिव क्रॉप्स उगाने के लिए एक इंसेंटिव बना, जैसे कि वीट और राइस। वेट, लेकिन ये तो अच्छी बात है, राइट? ऑफ कोर्स, लेकिन 1960s की और आज की कहानी अलग है। आज हम एक फूड सरप्लस देश बन गए, यानी हम जरूरत से ज्यादा वीट और राइस बनाते हैं जो स्टोर करने के लिए भी हमारे पास जगह नहीं है। हमारे किसानों ने हमारे देश को 1960s में भूखा मरने से बचाया, लेकिन इस वजह से देश की फूड डाइवर्सिटी खत्म हो गई। नॉर्थ के स्टेट्स के कई फार्मर्स सिर्फ राइस और वीट पर फोकस करने लगे। आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि एक ही टाइप की क्रॉप्स बार बार उगाने से सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है और ज्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स ग्रो करने से ग्राउंड वाटर खत्म हो जाता है। इस बेसिक प्रॉब्लम पर सोल्यूशन ढूंढने के बजाय बैंडेड की तरह नए प्रोग्राम्स लाए गए। पंजाब में एक एक्ट लाया गया जिससे वहां के किसानों पर एक रिस्ट्रिक्शन लाया गया कि वो एक गवर्नमेंट डिसाइडेड डेट के पहले राइस सो नहीं कर सकते। इसे प्रिजर्वेशन ऑफ सब सॉइल वाटर एक्ट 2009 कहते हैं, जो आगे जाकर हरियाणा में भी कॉपी हुआ। पंजाब हरियाणा रीजन में ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा था, उसे कंट्रोल करने के लिए सरकार डिसाइड करने लगी कि राइस की खेती साल में कब स्टार्ट हो सकती है। अगर ये रूल तोड़ा तो 10,000 रुपए की फाइन लगती है। तो किसान साल के एक सीजन में राइस ग्रो करता है और विंटर सीजन में वीट। इस रिस्ट्रिक्शन की वजह से उन्हें राइस हार्वेस्टिंग और वीट सोइंग के बीच में काफी कम टाइम मिलता है। इस जल्दबाजी में उन्हें मशीन का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये मशीन सिर्फ ऊपरी हिस्सा निकाल देते हैं और नीचे का हिस्सा बच जाता है, जिसे स्टबल या फिर पराली कहते हैं। एक फसल से दूसरे फसल मूव करने में टाइम ना होने की वजह से ये स्टबल जलाने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। चैप्टर 2, सरकार से कुछ सवाल। जब भी भारत में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो सरकार कोई भी हो उनका रिएक्शन सेम होता है, दूसरी सरकार को ब्लेम करो, और इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं। सारी पार्टियां ब्लेम जरूर करती हैं, लेकिन दिल्ली जैसे शहरों में पोल्यूशन कम करने के लिए सॉल्यूशंस नहीं लाते। चलिए सरकार को कुछ सवाल करते हैं। पहला सवाल पंजाब और हरियाणा के राज्य सरकार से। हमने चैप्टर 1 में एक एक्ट की बात की जो किसानों को कब क्या करना है इसका टाइमिंग देता, किसानों से फ्रीडम छीनता है। इस एक्ट की वजह से किसानों को टाइम नहीं मिलता और फिर उन्हें स्टबल बर्निंग करना पड़ता है। इस एक्ट के पीछे लॉजिक ये था कि पंजाब में से पानी खत्म हो रहा है, उस पानी को बचाया जाए। लॉजिक यही कहता है कि इतने टाइम में पंजाब में पानी प्रिजर्व होना चाहिए था, ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इम्पैक्ट उल्टा हुआ, ग्राउंड वाटर कम हुआ और एयर पोल्यूशन बढ़ा। स्टबल बर्निंग की वजह से हवा में PM2.5 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। अक्टूबर नवंबर के महीने में दिल्ली के पोल्यूशन का 38% इसी स्टबल बर्निंग की वजह से है। ये एक फैक्ट है।
इस स्टडी के अकॉर्डिंग ग्राउंड वाटर बचाना तो छोड़िए, पंजाब हरियाणा में ग्राउंड वाटर ज्यादा तेजी से डिप्लीट हो रहा है। ये डेटा नासा के ग्रेस मिशन ने भी पॉइंट आउट किया। हमने भारत के ग्राउंड वाटर प्रॉब्लम्स को इस वीडियो में कवर किया है, आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। अगर ये एक्ट जो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए लाया गया था वो काम ही नहीं कर रहा, तो ये एक्ट किस काम का? दूसरा सवाल केंद्र सरकार से, ग्रीन रेवोल्यूशन के समय खोई हुई क्रॉप डाइवर्सिटी को वापस लाने के लिए हम क्या स्टेप्स ले रहे हैं? आज एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हमें गेहूं और चावल छोड़कर बाकी धान उगाने की जरूरत है। ऐसे धान जिन्हें कम पानी की जरूरत होती है, जैसे मिलेट्स और पल्सेस, फल और सब्जी उगाने की जरूरत है। देश 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग की तरफ बढ़ रहा है। बायोफ्यूल्स के लिए मकई जैसे क्रॉप्स ग्रो हो सकते हैं। जैसे 1965 में हमने किसानों को इंसेंटिव्स दिए थे, वैसे हम आज उन्हें कौन से इंसेंटिव्स दे रहे हैं जिनसे उनके बिहेवियर में बदलाव आए? तीसरा सवाल दिल्ली और पंजाब की सरकार से, पहले दिल्ली के पास एक एक्सक्यूज था कि पंजाब में दूसरी सरकार है, अब क्या एक्सक्यूज है? ये इमेजेस देखिए, साफ साफ पता चलता है कि फायर्स कहाँ पे हो रही हैं। पंजाब के फार्मर्स को स्टबल बर्निंग से कैसे रोका जाए? क्या इसके लिए कोई स्टेप्स लिए जा रहे हैं? क्या फार्मर्स को एजुकेट किया जा रहा है? फरवरी से दिल्ली और पंजाब में सेम सरकार है, तो ये स्टबल बर्निंग के इंसिडेंसेस रोकने के लिए क्या स्टेप्स लिए गए? चैप्टर 3 सोल्यूशन पॉइंट पर आते हैं। स्टबल बर्निंग एक इशू है, हम सबको पता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या किसान इस कहानी के विलेन हैं? चलिए कुछ हीरो से मिलते हैं। ये है रंधावा परिवार जिन्होंने पैडी को छोड़कर मशरूम्स उगाना स्टार्ट किया। वो अपने 1.5 एकड़ फार्म से सालाना 50 लाख रुपए कमाते हैं, यानी पॉल्यूशन भी कम होता है और प्रॉफिट भी बढ़ता है। ये है जयदीप सांगा जी, जो पंजाब के एक किसान है जिन्होंने 2006 से स्टबल बर्निंग नहीं किया। इंस्टेड वो इसी स्टबल को क्रश करते हैं और उनके सॉइल में ऐड करते हैं। ही सेज कि इससे उनके सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ी है। पंजाब के राज्य सरकार ने उन्हें अवार्ड भी दिया है। यानी सरकार को पता है कि अगर किसान चाहे तो वो सोल्यूशन ढूंढ सकता है। अब ये सोल्यूशन लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी? इस साल हरियाणा में 30% कम स्टबल बर्निंग हुई, क्योंकि इस बार हरियाणा में कटिंग की जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनीज को दी गई। कंपनीज ने फार्मर्स को मशीन या तो फ्री में यूज करने दिया या फिर एक नॉमिनल चार्ज पर रेंट किया। उन कंपनीज ने स्टबल को कार्डबोर्ड फैक्ट्रीज, बायोमास प्लांट्स, एथेनॉल प्लांट्स में बेच दिया और प्रॉफिट कमाया। कृषि विज्ञान केंद्र ऐसी मशीन किसानों को दे रहा है जिनसे स्टबल सस्टेनेबल तरीके से डिस्पोज ऑफ हो सकती है। ये सारे लोग हमारे लिए इस कहानी के हीरोज हैं, क्योंकि जहां बाकी लोग प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं, ये लोग सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एक समय था जब किसानों ने भारत को ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू बचाया था। आज फिर से किसानों को एक क्रांति लानी होगी, ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0, जहां हमें ऐसे क्रॉप्स उगाने पड़ेंगे जिनसे देश का भला हो, पानी बचे और स्टबल बर्निंग का प्रॉब्लम ना हो। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। हे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वो लाइक बटन प्रेस कीजिए। आप ऐसे ही और कौन से टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट्स में बताइए। नेचुरल फार्मिंग से फार्मर्स कैसे पैसे कमा सकते हैं, इसके बारे में हमने बहुत ही अच्छा वीडियो यहाँ पर बनाया जो आप देख सकते हैं। और अगर आप कॉम्पोस्टिंग सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है।